अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। कांग्रेस विधायक राम निवास रावत ने कहा कि अब जरूरी हो गया है सरकार कर्ज की स्थिति भी जनता के सामने स्पष्ट करे। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक राम निवास रावत ने मोहन यादव सरकार से आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा सरकार पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। एमपी में प्रति व्यक्ति कर्ज 50,000 तक पहुंच गया है। सरकार अपनी बातों से मुकर जाती है और जुमले जैसी स्थिति बन जाती है। सरकार की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई भरोसा है। अपनी ही बातों को मुकर जाते हैं और जुमले जैसी स्थिति कर देते हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो हर वक्त झूठ बोलने का काम करते हैं। ना उनकी कोई गारंटी है, ना उनका कोई भरोसा है। उन्होंने रोजगार का वादा करके युवाओं को छला है, 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, वो नहीं दिए। उन्होंने लाडली बहनाओं को 3,000 रुपये देने का वादा करके वो नहीं दिए, वो उनको छला है। किसानों को वादा किया था 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदने और 3100 रुपये क्विंटल धान लेने का खरीदने का, वो नहीं किया, वो झूठ है। तो इस तरह से उन्हें वो तो झूठ बोलने के आती हैं और अपनी झूठ को गारंटी कहने के आती हैं, मोदी का नाम जोड़ने के आती हैं, दुर्भाग्य। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।